हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज हम बनाएंगे बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा डोरमैट। उसके लिए देखिए फ्रेंड्स, ना ही क्रोशिया की ज़रूरत है, ना सिलाइयों की ज़रूरत है। हम अपने हाथों से बनाएंगे बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा डोरमैट। तो उसके लिए देखिएगा, हम यहाँ पर एक नोट बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से एक नोट बनाया ऐसे, और देखिएगा इस तरह से ये हमने इस तरह से ले लिया है। और देखिएगा इस तरह से हम इसे निकालते हुए जाएंगे। इसको थोड़ा सा टाइट कर लेंगे, देखिए इस तरह से इसे टाइट करेंगे इस तरह से, और ऐसे बना लेंगे ऐसे। थोड़ा सा लूज लूज बनाएंगे इसे इस तरह से ऐसे। जितने भी आपको लंबाई चाहिए उतना ही आप इसे लंबा बना सकते हैं। इस तरह से हम देखिएगा ऐसे बनाते हुए जाएंगे ऐसे, देखिएगा इस तरह से ऐसे, 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 ठीक है। इस तरह से ऐसे जितना आपको बड़ा बनाना है उतनी ही इस तरह से चेन बना लें आप। बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाएगा और बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा बनाएंगे। इसमें ना सिलाइयों की ज़रूरत है, ना ही क्रोशिया की ज़रूरत है। बिना सिलाई क्रोशिया के बनाएंगे हम इस प्यारे से डोरमेट को। तो देखिएगा इस तरह से ऐसे करते हुए जाएंगे ऐसे। ऐसा और बना लेते हैं इसी तरह से। देखिएगा बहुत ज्यादा लूज भी नहीं छोड़ना है इसे, थोड़ा सा इस तरह से करते जाएंगे और बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं करना है। देखिएगा जितना भी बड़ा आप इसे बनाना चाहें उतना ही बड़ा बना सकते हैं। इस तरह से बहुत ही प्यारा सा बन के आएगा। तो अब देखिएगा इस तरह से हमने इसे बना लिया ऐसे, ऐसे बना लिया। तो चैन बना लेती हूँ थोड़ा सा, इतना प्यारा बनेगा इसे आप जितना भी मर्जी बड़ा बना लें। ऐसे बनाने के बाद देखिएगा इसे हम इस तरह से सीधा कर लेंगे और इस तरह से देखिएगा इसको ऐसे निकालेंगे। फिर हम इसे इसी तरह छोड़ देंगे यहाँ पर, देखिएगा ऐसे बना के, और इससे अगली वाली में इस तरह से लेंगे, डालेंगे और इसी तरह से फिर से छोड़ देंगे ऐसे, ठीक है। इस तरह से छोड़ते हुए जाएंगे हम, फिर इससे अगली वाली में लेंगे इस तरह से ऐसे, इससे अगली वाली में लेंगे। इसी तरह से हर चेन में एक बार निकालेंगे और इसे इस तरह से छोड़ते हुए जाएंगे। बिल्कुल टाइट नहीं करेंगे इसे, इस तरह से छोड़ते हुए जाएंगे इस तरह से। इस तरह से देखिएगा
इस तरह से ऐसे छोड़ते हुए चले जाएंगे हम इस पूरे इसको। देखिएगा यहाँ पर निकाला, फिर से इसमें से निकाल लेंगे, हर चेन में से एक बार निकालते हुए इस तरह से छोड़ते हुए जाएंगे। इस तरह से देखिएगा, इस तरह से एक जैसा सा इसी तरह छोड़ते हुए जाएंगे हम इस पूरे को। देखिएगा इसमें से निकाल लिया, अब हम इससे अगले वाले में हर चेन में एक एक बार निकाल लेंगे इस तरह से, ठीक है। फिर से देखिएगा इससे अगले वाले में निकाल देंगे एक बार इसी तरह से, फिर इससे अगले वाले में निकाल देंगे ऐसे, ऐसे किया और निकाल देंगे, फिर से इससे अगले वाले में निकाल देंगे इस तरह से, फिर से इससे अगले वाले में निकाल देंगे इससे अगले वाले में, इसी तरह से निकालते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट करेंगे ऐसे, ठीक है। आसानी से निकल जाएगा, इतना लूज बनाते हुए जाएंगे हम इसे, जो कि आसानी से निकल जाए ऐसे। फिर इससे अगले वाले में फिर इससे अगले वाले में फिर उससे अगले वाले में ऐसे, और फिर सबसे नेक्स्ट वाले में डाल देंगे ऐसे, ठीक है। इस तरह से डालने के बाद देखिएगा आप, फिर से हम इसमें से डालेंगे ऐसे, ऐसे डाला और इसे इस तरह से टाइट करते हुए जाएंगे ऐसे, ठीक है। इस तरह से टाइट कर देंगे थोड़ा सा और इसे इस तरह से छोड़ देंगे, फिर इससे अगले वाले में डालेंगे और इसी तरह से देखिएगा टाइट कर देंगे इसे, ठीक है। फिर इससे अगले वाले में डालेंगे इस तरह से, हल्का सा टाइट करते हुए जाएंगे, फिर उससे अगले वाले में डालेंगे इस तरह से, फिर इससे अगले वाले में डाल देंगे इस तरह से। देखिएगा इस तरह से बनता हुआ आएगा ये, इस तरह से ऐसे ही छोड़ते हुए जाएंगे और हर राउंड को इसी तरह से बनाते हुए चले जाएंगे। तो देखिएगा, चलिए मैं इसे इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी। ये देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा बनके कंप्लीट हो गया है। आपको जितना बड़ा या चौड़ा लंबाई इसकी बनानी है उतनी लंबाई आप बना सकते हैं। देखिए कितना प्यारा सा बन के आया है। अब देखिए हम इसे यहाँ पर बाइंड ऑफ करेंगे, तो उसके लिए देखिएगा हम एक ये वाला और ये वाला दोनों ले लेंगे इस तरह से, इस तरह से दोनों लेंगे ऐसे, और इसको इस पट्टी को इस तरह से निकाल देंगे ऐसे, ठीक है, और इस तरह से टाइट कर देंगे। फिर इस वाली चेन को लेंगे इस तरह से और आगे से इसको पट्टी को इस तरह से निकाल देंगे ऐसे, ठीक है। देखिएगा इस तरह से थोड़ा सा टाइट करते हुए, फिर देखिएगा इसको लेंगे इस वाले चेन को
इस तरह से, और यहाँ पर देखिएगा इस पट्टी को इस तरह से इसके अंदर से ऐसे निकाल देंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, ना इसमें क्रोशिया की जरूरत है ना सिलाई की जरूरत है, और बहुत ही सुंदर सा बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सा पायदान बन के तैयार हो जाता है। देखिएगा मैंने ये चौकोर टाइप का पायदान बनाया है। अगली वीडियो में मैं आपको इसी तरह का गोल आकार का पायदान भी बना करके दिखाऊंगी। तो देखिएगा इससे आप टोकरी वगैरह भी बना सकते हैं इसी तरीके से, तो मैं आगे आपको टोकरी वगैरह भी बना करके दिखाऊंगी इसी तरह से। देखिएगा ये बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट सा, देखिएगा देखिएगा इस तरह से बनता हुआ जाएगा। और एक चेन ये लेंगे, देखिएगा अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, और इस चेन को इस तरह से लेंगे और इस पट्टी को ऐसे अंदर से निकाल देंगे। देखिएगा इस तरह से हम इसे बाइंड ऑफ करते जाएंगे। ये देखिएगा इस पट्टी को लिया और इसको थोड़ा सा टाइट कर लेंगे और पट्टी को इस दोनों के बीच से इस तरह से निकाल देंगे ऐसे, और इसे इस तरह से टाइट कर देंगे। फिर देखिएगा अगली चेन लेंगे और इस तरह से इस पट्टी को ऐसे बीच से निकाल देंगे और इसे इस तरह से टाइट करते जाएंगे। देखिएगा बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही सुंदर सा सॉफ्ट सा बन के आएगा, और बहुत ही जल्दी बन के तैयार भी हो जाता है। अगर आप रेगुलर बैठ के बनाएंगे तो आधे घंटे में आप अच्छा सा डोरमैट बनाकर कंप्लीट कर लेंगे, वो भी बिना सिलाई बिना क्रोशिया बिना किसी चीज़ के। देखिए अपनी उंगलियों की सहायता से आप इस डोरमैट को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिएगा इस पट्टी को इस तरह से दोनों के बीच से निकालेंगे और इस तरह से टाइट कर देंगे ऐसे। फिर इस पट्टी को यहाँ से लेंगे और इसे थोड़ा सा टाइट करेंगे और इसको पट्टी को ऐसे निकाल देंगे ऐसे। देखिएगा फिर ये पट्टी ली और ये लिया और इस पट्टी के अंदर से इस तरह से इसको निकाल देंगे ऐसे, टाइट करते हुए जाएंगे। देखिएगा बहुत ही आसान है इसे बनाना, आसानी से आप इसे बना सकते हैं। तो देखिएगा इस तरह से बिल्कुल रेडीमेड जैसा बन के आएगा ये। ये मैंने पुरानी मेरे पास बेड शीट थी उसकी पट्टी काट ली है। आप इसे पुरानी चुन्नी की भी थोड़ी सी चौड़ी पट्टियाँ काट लें और उससे भी बना सकते हैं। आपके पास जो बिना यूज के कपड़े हैं हुजरी की, उनसे भी आप बना सकते हैं। तो देखिएगा इस तरह से इस पट्टी को ऐसे निकाल देंगे, फिर इस चेन को लेंगे यहाँ से और इस पट्टी को बीच से ऐसे निकाल देंगे और टाइट कर देंगे। फिर देखिएगा लास्ट में हम इस चेन को लेंगे और पट्टी को इस तरह से निकाल देंगे और इस तरह से टाइट कर देंगे ऐसे ऐसे। देखिएगा इस तरह से इस तरह से, और यहाँ पर इसे कैंची से काट करके इसका एक नोट बना देंगे। तो देखिएगा कितना प्यारा सा बन के आया है। तो चलिए मैं इसे नोट लगाने के बाद आपको दिखा